उस लड़की की क्या गलती थी? उसकी शायद गलती ये थी कि उसने बहुत मेहनत करी और नीट जैसा, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, वो क्रैक करा। उसके बाद 5 साल की MBBS करी, उसके बाद नीट PG जैसा टफेस्ट एग्जाम क्रैक करा, उसके बाद एक ऐसा प्रोफेशन चूज करा जो कि सबसे नोबल प्रोफेशन है, एक डॉक्टर का, जिसके अंदर 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। शायद यही गलती थी। आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना। तो यारो, क्या हालचाल, स्वागत है आपका एक नए फ्रेश एपिसोड में। आपको तो पता है कि मेरी सारी की सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाने के लिए होती है, तो इस वीडियो से किसी को कोई हेट नहीं, बस वीडियो देखो और एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। हंसते रहो यार, और हाँ, हंसते हंसते सब्सक्राइब भी कर देना। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का लाइक एम रखते हैं 3K एंड कमेंट ओनली 300, जो मुझे पता है आप लोग कर दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू तुम क्यों बोल रही हो? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। अब क्या बोलो? अरे तुम्हारे पास लाइटर है? मुझे सिगरेट पीने का मन हो रहा है। हाँ हाँ, देखो ना, ड्रॉर में है। अरे ये कौन है? तुम्हारे पापा है? नहीं। तो तुम्हारे भाई? नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अरे नहीं पागल, बॉयफ्रेंड कैसे होगा, कुछ भी। तो फिर कौन है ये? ये मैं हूँ, ऑपरेशन से पहले। मैं सिगरेट भूल गया, ले लेके आता हूँ। क्या हुआ भैया, हुआ नहीं अभी तक? बस मैडम, इसमें घुस नहीं रहा, एक बार घुस जाए। अरे क्या दिक्कत बता रहे हैं वाइफाई वाले भैया? भाई तुम्हारी वाली दिक्कत, जा नहीं रहा है अंदर। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अबे साले तभी तू ये करता है क्या? अबे चेस हॉलिडे में भी इतना लेट कर दिया। ये निब्बे का ब्रेकअप हो गया, दिमाग खराब करके रखा है। ये देखिए, फिर मैसेज आ गया। क्या बोल रहे? एक तो लाइफ में पहले ही इतनी प्रॉब्लम। अबे उसको बोल इग्नोर योर प्रॉब्लम्स लाइक यू इग्नोर द मेल एक्टर इन पोर्न मूवी। पुलिस ने पकड़ लिया है, क्या करूं? तो आप पुलिस का पकड़ लो। अरे कहना क्या चाहते हो? सारी उम्र मैं झोंकर जा बड़े आ रहा। अरे सर, हाँ मम्मी,
बेटा या बल्ब उतार तनक मेरे हाथ छोटो पड़ रहो तो जुबान तक कोशिश कर लो वो तो इतनी लंबी है बहुत सारी कंपनी के स्पीकर आते हैं JBL बोस बोट यामाहा बट ये वाला जो स्पीकर है ना सबका तोड़ है तो ला भाई साथ में बजाते तो चलिए शुरू करते हैं और सर मेरी एक फैंटेसी है क्या मैं बोलूं क्या मैं चाहता हूं कि आप हमारी सुहाग रात में नीली चड्डी पहन के आए क्या बात है सर क्या बात है सर और ये बात है तो हेलो गाइस आपका स्वागत है मेरे ब्लाउज में ए और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी ब्लॉग में तो हम लोग आज वीडियो बनाने आए हैं ये हमारा गोल पट्ट से हेडशॉट मेरे 5 लाख रुपए कब देगा भाई मैं आपके 5 लाख रुपए दे दूंगा क्या हुआ पापा मत दे हम वसूल कर लेंगे किलिये किलिये मनी मनी में और बाथरूम में होती है हमारी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी? जुदाई जुदाई चले भाई चल भाई वैसे यार गाने वाने चला लेगा मजा नहीं आ रहा हाँ मैं एक बार पीछे भी पूछ लेता हूँ किसी को कुछ सुनना हो तो अरे किसी को कोई गाना सुनना है क्या अबे साले तभी हेलो हेलो आप कहाँ से बोल रहे हो मैं तो जी दिल्ली से बात कर रहा हूँ आपके हाथ में क्या है हाथ में तो बैट है मेरे उसको ना अपने पिछवाड़े में डाल लो A few moments later. अरे कैसे ऐसा फोन बज रहा है उठा तो क्यों नहीं ऐसे हेलो 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 अरे भाई साहब एक बच्चे का फोन आया था और वो बोल रहा था कि ये बैट अपने पिछौड़े में डाल लो कितने देर पहले आया था हो गए 10-15 मिनट हो गए अरे यार भाई साहब तुम भी क्या बच्चों की बातों में आ रहे हो निकाल लो यार अब कब तक लेके बैठे रहोगे उसे निकाल लो जोर का झटका हाय जोरों से लगा हाँ लगा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना कि हमें किसी व्यक्ति से या संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए आपको किससे हो गया शादी हो गई आपकी हाँ पति हैं आपके हाँ बच्चे हैं बच्चे नहीं हैं तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप हाय भाभी भाभी थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी हाँ देती हूँ आओ आओ ना बैठिए देती हूँ हाँ चीनी देती हूँ बेटा आपके पास कुछ लिप्स पे लगाने के लिए है क्या मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं आंटी कौन से वाले लिप्स हाँ क्या खा रहे भाई जी टिस्की पे ब्राउन मंडे समझ रहे हो ना अच्छा ये बताओ कि आपके दुकान में कौन सा ऐसा मांजा है जो जिसकी धार सबसे तेज हो और वो सबसे ज्यादा बिकता हो देखो अंकल मांजा कैसा भी हो लड़की से बढ़िया नहीं काट सकता साइंटिफिकली एक प्रूफ है हाँ। गुरु जी आखिरी बात कर रहा हूँ जी कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं दांत होते हैं वो सपाट होते हैं जी और जो मांसाहारी होता है चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो जो मांस खाता है जी उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए
हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? इस पिच का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 होगा? अगला डाला है तो यारो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर लाइक कर देना। अगर इस चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।